हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमैया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए कोई फेस पैक नहीं लेकर आई हूं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो हम जैसे मेहंदी लगाते हैं तो हमारी मेहंदी का कलर कभी तो डार्क हो जाता है, कभी नहीं होता है, या कुछ लोगों की मेहंदी का कलर डार्क हो जाता है, कुछ के हाथों पर मेहंदी रस्ती नहीं है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी मेहंदी के कलर को डार्क कर सकते हैं, वो भी हैंड टू हैंड। ज्यादा देर का काम नहीं है, ज्यादा झंझट वाला काम नहीं है। मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगी कि मेहंदी का कलर हम किस तरह से डार्क कर सकते हैं। सिर्फ 5 रुपीज में आप अपने मेहंदी के कलर को डार्क कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर दिखाऊंगी कितना लाइट है, उसके बाद मैं उसे डार्क कर भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक है जिसकी वजह से आपकी मेहंदी डार्क हो सकती है। क्योंकि हम इतनी मेहनत से मेहंदी लगाते हैं या लगवाते हैं और अगर उसका कलर डार्क नहीं आता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम अपनी मेहंदी को किस तरह से डार्क कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए, मैंने ये मेहंदी लगाई हुई है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर अभी लाइट है। आप देखिए कि लाइट कलर की है और अभी ये पूरी तरह मैंने उतारी भी नहीं है। तो मैं इसे अच्छे से पहले उतार लूंगी, लेकिन पानी में हाथ हमें नहीं देना है, गीला कर हमें इस मेहंदी को नहीं उतारना है। आप इसे इस तरह से नेल्स की हेल्प से आप इसे इस तरह से उतार लीजिए। आप देख सकते हैं कि इसका लाइट कलर है, लेकिन ये जो मैं आपके साथ आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूं उसे यूज कर ये हैंड टू हैंड डार्क कलर की हो जाएगी। तो पहले हम इसे अच्छे से उतार लेंगे, पूरी अच्छे से आप पहले मेहंदी को उतार लीजिए। ये सूख चुकी थी और मुझे अभी सिर्फ इसे लगाए हुए 3 घंटे ही हुए हैं। गाइस देखिए, मैंने अपनी मेहंदी पूरी तरह उतार ली है, लेकिन इस पर मैंने पानी बिल्कुल नहीं लगाया है। अगर आप पानी लगाएंगे तो उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें लेना है ये चूना, चूना जो पान पर लगाते हैं वो चूना आपको लेना है। ये आपको गीला मिल जाएगा, अगर सूखा पाउडर भी मिलता है तो उसे आप थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लें। इसी से हम अपनी मेहंदी को डार्क करेंगे और आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये चूने का पाउच है। अब हमें इसे थोड़ा सा लेना है, देखिए ये लिक्विड आता है और पाउडर भी इसका आता है, उसे आप पानी डालकर गीला कर लें। तो यहाँ ये इतना काफी रहेगा। तो मैं आपको अपने आधे हाथ पर ये लगाकर दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लीजिए और मैं ये इतने हिस्से में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमने ये चूना इस तरह से लगा लिया है, इसे रब कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से आप लगा लें। ये मैंने आपको अपने आधा हाथ दिखाया है चूना लगाकर, और इसके बाद ये सूख जाएगा इस तरह से रब करने पर। गाइज ये सूख गया है, देखिए ये आपका हैंड टू हैंड ही सूख जाएगा। इस तरह से हम रब करेंगे तो ये सूख जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, हमें लेना है ये ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आप इसकी इस पे डालिए। और आप देख लीजिए कलर इसका, थोड़ा सा और ले लेंगे हम। तो आपको मेरी मेहंदी का कलर पता चल रहा है कि ये डार्क हो चुका है, देखिए आपके सामने है। ये देखिए गाइस, डार्क कलर लाइट कलर आपके सामने है। मैंने आपको अपने आधे हाथ पर लगाकर दिखाया था ये चूना, आधा हाथ मेरा ऐसा ही है तो ये डार्क हो चुका है, देखिए। अब मैं आपको पूरे हैंड पर लगाकर दिखाती हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अभी ये इतना डार्क हुआ है, सुबह तक ये 8-9 घंटे बाद ये और ज्यादा डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी ये। तो आप इसे जरूर कर देखिएगा, मैं आपको इसे पूरे हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ।
आपको मैंने दिखा दिया है कि कलर हमारा डार्क हो गया है। तो देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये भी डार्क हो चुका है, कलर आपके सामने है। मैंने इस पर कुछ और नहीं लगाया है। अब मैं ये ऑयल लगाकर दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी मेहंदी का कलर डार्क हो गया है। ये देखिए गाइस, लाइट कलर था और अब डार्क कलर हो गया है। कितना फर्क आ गया है, आप सुबह तक देखेंगे तो ये और ज्यादा डार्क हो जाएगा। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। सिर्फ ये आपका 2 रुपए का यूज हुआ है हमारा। सिर्फ 2 रुपए में ये हमारी मेहंदी को डार्क कर सकता है और आपके सामने रिजल्ट है। और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे लगाइए, रब करिए, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल आप लगा लें। ये देखिए आपके सामने है। तो अगर आपकी भी मेहंदी का कलर डार्क नहीं होता है तो आप इस ट्रिक को अपनाइए, आपकी मेहंदी का कलर डार्क हो जाएगा 100%। तो गाइस देखिए, मैंने चूना भी हटा दिया है, जो ऑयल था वो भी हटा दिया है। और आप देख सकते हैं कि पहले मेरी मेहंदी का कलर लाइट था, अब ये डार्क हो गया और सुबह तक और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो अगर आपकी मेहंदी नहीं रचती है तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइए। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसे लगाने के बाद आपको 1 घंटे तक पानी में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, जिससे कि इसका कलर और ज्यादा डार्क हो जाए। तो अगर आप यही कलर चाहते हैं तो आप अपने हाथ को धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो आप 1 घंटे तक अपने हाथ को पानी में बिल्कुल नहीं डालेंगे, ठीक है, इसे गीला नहीं करेंगे। तो इससे आपका मेहंदी का कलर और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी का कलर डार्क हो गया है। कितना प्यारा कलर आया है, आपके सामने रिजल्ट है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक अपनाइएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड इस मेहंदी को डार्क कर कर दिखाया है। तो इस तरह से आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। गाइज अगर आप मेरे से इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।